हिमाचल के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रामपुर उपमंडल के हाल ही में जीतकर आए भाजपा विचारधारा से जुड़े पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों को रामपुर में सम्मानित किया। भाजपा मंडल रामपुर द्वारा जीते हुए पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों को रामपुर में अभिनंदन समारोह के दौरान मंत्री ने कहा कि रामपुर में इस बार भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को ईमानदारी के साथ जन विकास के कार्य करने की अपील की। उन्होंने बताया कि देश ने कोरोना जैसी महामारी को काबू पाने में अहम भूमिका निभाई है। भारत ने एक वर्ष के भीतर कोरोना महामारी की दो दो दवाएं बनाकर अन्य मुल्कों तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि वर्तमान केंद्र में मोदी सरकार की सूझबूझ से देश ने कोरोना पर काबू पाते हुए मृत्यु दर विश्व में सबसे कम की है। उन्होंने इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को भी इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष छोड़ विकास में भागीदार बनने के लिए आगे बढ़े। मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इससे पूर्व रामपुर के समीप डाकोल्ड में हिमुडा की खाली पड़ी भूमि का अवलोकन किया। उन्होंने रामपुर बाजार में मल्टीपर्पज पार्किंग और रामपुर बाजार में ब्रो के लिए पुल निर्माण हेतु स्थान का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस पर औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद कार्य किया जाएगा। उनसे हमने आग्रह किया है कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के आप ध्वजवाहक हैं, इसलिए आप जो है वो आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं आपसे उन पर पूरा उतरने के लिए सेवा भाव से जो है वो काम करें। और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि जिस रामपुर में कभी हम दो पंचायतों में भी प्रधान नहीं जो है वो बनवा पाते थे, आज जो है वो रामपुर के दोनों ब्लॉक्स में अधिकांश पंचायतों में हमारे प्रधान और उप प्रधान चुनकर के आए हैं। इसके लिए मैं रामपुर मंडल के हमारे अध्यक्ष हैं श्री भीमसेन ठाकुर जी, इनकी सारी टीम है, इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ जो है वो